आज हो रहा है अध्याय चौथा। अध्याय चौथा में, अध्याय चौथा प्रथम ईयर, फर्स्ट ईयर का। कल हुआ था सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, है ना। आज हो रहा है सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, यानी समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र आज हो रहा है। अध्याय चौथा फर्स्ट ईयर, हेडिंग है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमी जब भी बात करेगा फायदे की बात करेगा, है ना, उत्पादन की बात करेगा, देखिएगा, है ना, लॉस की बात कभी नहीं करेगा इकोनॉमिक्स, है ना। आप देखिए हेडिंग समाजशास्त्र एंड अर्थशास्त्र। अब देखिए आगे, देखिए समाजशास्त्र एक अर्थशास्त्र को बहुत समय पहले ही घनिष्ठ रूप से संबंधित माना जाता है। पहले से ही समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में घनिष्ठता संबंध पाया जाता है। हमें देखने को समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में घनिष्ठता देखने को मिलता है, पाया जाता है पहले से ही। समाजशास्त्र के विकास के आरंभिक समय में ही समाजशास्त्र के को अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र को ही एक शाखा के रूप में देखा जाता था। बाद में जब समाजशास्त्र का आर्थिक विकास होने पर हमें एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में, साइंस के रूप में स्वीकार किया गया। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के संबंध को यह स्पष्ट किया जा करने के लिए पहले अर्थशास्त्र की वास्तविक अर्थ को समझना आरंभ किया मार्शल ने। अर्थशास्त्र के व्यवहारिक बिहेवियर अर्थों पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रॉब्लम मार्शल का कहना है कि जो मानव कल्याण से संबंधित है, ये दृष्टिकोण से समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के संबंध को निम्नांकित रूप से आधार पर हम समझा सकते हैं। पहला पहला पॉइंट है, वास्तव में सामाजिक तथा आर्थिक संबंध संबंधी दूसरे से किसी प्रकार की अलग नहीं होते हैं। सच तो यह है कि एक और समाज की सभी रीतियां, परंपरा, लोकाचार और कार्य विधियां अनेक आर्थिक दशाएं तथा प्रभावित करती है, और दूसरी ओर आर्थिक व्यवस्था पर सामाजिक गतिविधियां, परिस्थितियां जैसे सामाजिक संगठन और सामाजिक निरंतरता का गहरा संबंध पाया जाता है। दूसरा है, लगभग लगभग सभी समाजों में यह देखने को मिलता है कि आर्थिक विकास तथा सामाजिक प्रगति एक दूसरे से निर्भर है। उदाहरण के लिए, यदि समाज में अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, अपराध की दशा अधिक हो जाती है तो आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाता है। तीसरा, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र इस कारण भी एक दूसरे से संबंधित है कि इन दोनों विज्ञानों में कुछ सामान्य तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण पुनर्निर्माण, श्रम विभाजन, श्रम दशाओं में सुधार, औद्योगिकरण तथा नियोजन आदि इसी प्रकार के विषय हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र अनेक समस्याओं के अध्ययन से के कारण समान ढांचे होने के कारण एक दूसरे से संबंधित है। चौथा, वर्तमान युग में समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र संबंध थे और अभी भी है। इसका कारण यह है कि एक और उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक दिशाओं में एक दूसरे से सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बाटो मोर ने यह भी निष्कर्ष दिया है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को उसको उस अर्थशास्त्र को अब अधिक समय तक एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अभी समाजशास्त्र को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अंतर, वास्तव में समाजशास्त्र में अर्थशास्त्र के घनिष्ठ संबंध को देखकर साधारणतः यह धारणा बन जाती है कि इस दोनों विज्ञानों में कोई अंतर नहीं है, परंतु वास्तविकता यह है कि दोनों विज्ञान में कुछ मौलिक अंतर भी है। पहला, समाजशास्त्र सामान्य रूप से सभी सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, और जबकि अर्थशास्त्र केवल आर्थिक संबंधों के अध्ययन तक ही सीमित है। आपको बार बार बोलिए, अर्थशास्त्र सामाजिक अध्ययन करता है और फायदे की बात करता है, उपभोग की बात करता है। दूसरा पॉइंट है, दोनों विज्ञानों के दृष्टिकोण से भी अंतर है कि समाजशास्त्र दशाओं का अनेक धारणों को, अनेक कारणों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करता है, लेकिन अर्थशास्त्र प्रत्येक घटना को अधिक आर्थिक कारण से जोड़ने का प्रयास करती है। तीसरा पॉइंट, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के अध्ययन में भिन्न भिन्न पद्धतियों का प्रयोग होता है। समाजशास्त्र की पद्धतियों में समाज सर्वेक्षण, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति तथा समाज समिति द्वारा बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में काफी घनिष्ठता हमें देखने को मिलती है। एक चीज गौर कीजिएगा, जैसे कहावत होता है कि एक दूसरे के बिना कोई रह नहीं सकता है, देखिएगा एक चीज,
जैसे उदिन कोबर ने बोला है कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र एक जुड़वा बहन है, इसी प्रकार से देखिएगा सोशियोलॉजी की बात की जाए, समाज शास्त्र की बात 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 की जाए तो समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में घनिष्ठता है, काफी संबंध है, समझ रहे हैं, काफी संबंध है, दोनों जुड़वा भाई बहन के तारे टाइप का जो संबंध होता है वो संबंध होता है कि ये अलग अलग समाज शास्त्री ने अलग अलग तरह से बताया, लेकिन ये सभी समाजवादी शास्त्री ने, हॉबर्ट ने आज और समाज शास्त्री ने ये कहा है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र मानी इकोनॉमिक्स में काफी घनिष्ठता हमें देखने को पाया जाता है। एक दूसरे को छोड़ के ये समाजशास्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, समाज के बिना हम हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र क्रिया का अध्ययन करता है, सामाजिक क्रिया का, और समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, समाज के बारे में कैसे आपको रहना है। आप गौर कर रहे हैं मेरे बात को, समाज समाज की तमाम बातों की अध्ययन करता है, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी असाध्य प्रोडक्शन कैसे होगा, उत्पादन कैसे होगा, जब भी इकोनॉमी बात करेगा फायदे की बात करेगा, बहुत कोई होता है दोस्त यार बहुत कोई फायदे की बात करता है, लॉस की बात नहीं करता है। तो जब भी इकोनॉमिक्स बात करेगा शास्त्र तो फायदे की बात करेगा, अपना फायदा मतलब समझते हैं ना, प्रॉफिट की बात करेगा, क्या बात करेगा, प्रॉफिट के बारे बात करेगा, लॉस की बारे बात नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम देखते हैं कि समाज शास्त्र और अशास्त्र में काफी अंतर भी देखने को मिलता है और संबंध भी देखने को मिलता है, अंतर भी दोनों में है लेकिन दोनों में काफी घनिष्ठता भी देखने को हमें मिलता है, और है ये रियल चीज है कि दोनों में काफी मित्रता है, घनिष्ठता है, बात समझ रहे हैं, दोनों में है ना। चौथा पॉइंट है समाजशास्त्र के नियम समाज की सामान्य दशाओं के कारण तथा परिणाम को देखकर मालूम किए जाते हैं, कारण और परिणाम को देखकर मालूम किए जाते हैं, देख लीजिए दशा को देख के, कारण और परिणाम को देख के इसकी स्थिति को आंका जाता है, बात समझ गए। इसके फलस्वरूप नियम तुलनात्मक रूप से अधिक स्पष्ट तथा स्वतंत्र होते हैं, दूसरी ओर अर्थशास्त्र के सभी नियम एक वाक्यांश अन्य बातों के समान रहने के साथ बंधे रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए दोनों बंधे हुए रहते हैं, क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए बंधे हुए रहते हैं। आप गौर कीजिएगा, बहुत जो कोई को देखिएगा, बहुत कोई को बहुत चीज की बारे बता रहा हूं, बहुत चीज ऐसा है को एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। हमारा शरीर हाथ अलग हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, एक विषय दूसरे सब्जेक्ट से जो संबंध रखता है वो अलग नहीं हो सकता है। कोई भी काम अकेले होगा दुनिया में, आपको उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, अकेले होगा, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, पूंजी चाहिए, संगठन चाहिए, साहस चाहिए, भूमि चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ये पांच चीज जो होती है जरूरत, भूमि पूंजी श्रम संगठन साहस, भूमि चाहिए, भूमि पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए, लेबर चाहिए, संगठन चाहिए, भूमि पूंजी श्रम संगठन और साहस भी चाहिए। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं साहस नहीं है तो वो नहीं हो सकता है, समझे, बस आज इतना ही।